प्लास्टिक की स्टूल का यूज तो आप सब लोग करते ही होंगे, लेकिन आपने कभी सोचा है कि प्लास्टिक के सभी स्टूल के बीच में आखिर ये होल क्यों होता है? और गिनीज बुक के बारे में तो आप सब लोग जानते होंगे, एक ऐसी बुक जिसमें वर्ल्ड के सभी रिकॉर्ड का डेटा रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गिनीज बुक की शुरुआत कैसे हुई? तो अगर आप इन सब के बारे में नहीं जानते तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं के पीछे के सीक्रेट के बारे में बताने वाला हूँ, तो वो सीक्रेट जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्लास्टिक प्रोडक्ट बनाने वाली फैक्ट्री चाहे ब्रांडेड हो या फिर लोकल, हर जगह प्रोडक्शन के लिए साइंस के नियम को फॉलो जरूर किया जाता है। तो स्टूल चाहे दुनिया के किसी भी कोने में बन रही हो, उसके बीच में एक बड़ा सा छेद या होल जानबूझ के इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जगह की कमी के चलते आपका घर हो या दुकान, अक्सर प्लास्टिक के स्टूल को एक के ऊपर एक रखा जाता है। अगर इन स्टूल में छेद नहीं होगा तो ये एक दूसरे से चिपक जाएंगे एयर प्रेशर और वैक्यूम की वजह से, और फिर इन्हें अलग करने के लिए बहुत ज्यादा ताकत की जरूरत पड़ेगी, इसलिए साइंस के नियम के अकॉर्डिंग स्टूल में छेद रहता है। गिनीज बुक का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गिनीज बुक की शुरुआत कैसे हुई? आइडिया गिनीज ब्रेवरी के मैनेजिंग डायरेक्टर सर हॉन्ग बीवर को आया था। वह उस समय एक निशानेबाजी की पार्टी में गए हुए थे। वहाँ उनके और उनके दोस्त के बीच में एक छोटी सी बहस हो जाती है कि यूरोप में सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन सा है। दोनों ने सारी किताबें छान मारी लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला। तो उस समय उन्होंने सोचा कि एक ऐसी किताब बनाई जाए जिसमें ऐसे सभी फैक्ट्स का डेटा हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये फैक्ट पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर दीजिएगा। अगर आपको इसी तरह के फैक्ट जानना अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं।